नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष, सदन का वो आसन जिसका सम्मान हर विधायक करता है, हर मंत्री करता है, मुख्यमंत्री करता है। लेकिन सीपी जोशी का सदन चलाने का अंदाज ही कुछ अलग है। वे मीडिया को एक दायरे में रहने के लिए पाबंद करते हैं, सदन में इतनी सख्ती की अपने ही दल के मंत्रियों से तीखी बहस करते हैं। इतना ही नहीं, तलखी जब तूतू मैमे में तब्दील हो तो आसन छोड़कर सदन स्थगित कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीपी जोशी अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं करते, लेकिन सदन में बैठे हर विधायक हर मंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है, मीडिया की अपनी स्वतंत्रता होती है। लेकिन सीपी जोशी ने जो रुख अख्तियार किया है, उसे लगता है कि स्पीकर जोशी अब प्रोफेसर जोशी बन गए हैं और सदन बन गई है क्लास। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हम पे आरोप लगे, सरकार पे आरोप लगे और हम जवाब नहीं दे पाए। आदरणीय जी से आसन कर दी। मीडिया को कर दिया किनारे, मंत्रियों पर भी निकाली भड़ास। इतने सख्त स्पीकर जोशी की विधानसभा को बना दी क्लास। कितनी जायज है ये सख्ती, क्यों अपने ही मंत्रियों से तलखी से आ रहे हैं पेश, क्यों मीडिया को विधानसभा के कुछ दायरे में कर दिया है नजरबंद, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुशासन के इस हाई डोज से सुचारू चलेगा सदन। जी हां, बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हमारे साथ है बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग जी, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी, पिंक सिटी प्रेस क्लब के महासचिव मुकेश चौधरी जी, और साथ ही बीजेपी विधायक पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। जोगेश्वर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप साक्षी थे उस पल के जब सदन के अंदर तो ठीक, बाहर भी कक्ष में भी जो कुछ हुआ रघु शर्मा और सीपी जोशी के बीच, आप साक्षी रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? जी, संयोग से मैं वहां था उसमें विधानसभा में, और शून्यकाल के दौरान जब स्थगन आदेश पर स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए हमारे कई मान्य सदस्यों ने चिकित्सा मंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगाए, सबूत प्रमाण सहित आरोप लगाए, तो उनसे कोई जवाब नहीं बन रहा था। और बाद में जब वो जवाब नहीं दे पाए तो मंत्री जी और स्पीकर सर ने उसको बात को खत्म कर दिया, उस विषय को वहीं खत्म कर दिया और नया विषय ले लिया। उस समय संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल खड़े हुए और उन्होंने आसन को कुछ गाइड करने की कोशिश की, और वो गाइड करने का उनका तरीका बहुत ठीक नहीं था, सभ्य तरीका नहीं था वो। अच्छा। संसदीय इतिहास में ऐसा होता नहीं है कि स्पीकर को कोई ऐसे ऊंची आवाज में बात करे, और उस टोन पर स्पीकर साहब का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल वाजिब था। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने अब ये बोला है कि आधे घंटे के स्थगित की जाती है, हमने तो नहीं सुना किसी ने, जाते जाते बोल गए होंगे। इतिहास, विधानसभा के इतिहास की बात करें, पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसे सीट छोड़कर जाना बहुत नई बात है, मैं भी चौथी बार विधायक को पहली बार देखा है। ठीक है, बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कालीचरण जी, ये एनएचएम घोटाले मामला उठा था, जवाब देना चाह रहे थे रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री, और आपको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाया, जब आपने भी इस पर सवाल किया तो। देखिए, मैंने एनएचएम में जो भर्ती घोटाला हुआ है जी, उसके लिए विद प्रूफ मैंने आरोप लगाए थे, और मैं ये चाहता था कि उसका जवाब चिकित्सा मंत्री जी दे, परंतु चिकित्सा मंत्री चुपचाप बैठे रहे और उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जब राजेंद्र जी राठौड़ ने बद्रीवाला मामला उठाया, और उसके बाद शांति धारीवाल जी जो संसदीय मंत्री हैं वो खड़े हुए और उन्होंने आसन के साथ बदतमीजी की और आसन का अपमान किया, ये निश्चित रूप से ये सत्ताधारी पार्टी का संसदीय कार्य मंत्री और इस प्रकार से आसन का अपमान करे, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है, और ये सभापति की, ये अध्यक्ष की गरिमा के खिलाफ है, और इस प्रकार की जो घटना हुई ये निश्चित रूप से शर्मनाक घटना है, और इसके लिए सत्ताधारी पार्टी को और अध्यक्ष महोदय से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कहा तो ये जा रहा है, रघु शर्मा का कहना ये कि वो जवाब देना चाह रहे थे और स्पीकर ने उन्हें जवाब देने नहीं दिया गया, क्योंकि उनके मंत्रालय को लेकर, उनके विभाग को लेकर सवाल उठा रहे थे, इसलिए उनकी नाराजगी थी। मैंने बार बार उनसे आग्रह किया कि इसका जवाब दीजिए, परंतु रघु शर्मा चुपचाप गर्दन नीचे करके बैठे रहे और उन्होंने वहां पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में आपके लिए जरूर उन्होंने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं वो मुझसे सवाल कैसे कर रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार को लेकर आरोप आप पर लगाए उन्होंने, 5 साल जिस तरह से कार्यकाल रहा है, चिकित्सा मंत्री आप रहे हैं।
देखिए पांच साल में मैंने क्या किया क्या नहीं किया इसके लिए सरकार उनकी है और वो इसके लिए जांच कराने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम पांच साल की जांच करवाएंगे, तो जांच करवाएं, उनको कौन रोक रहा है? बिल्कुल, जांच करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, जांच के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगेश जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, कार्रवाई पूरी हुई, सदन में भी आपकी मौजूदगी थी, बाद में भी जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा, लेकिन अहम बात यह है कि स्पीकर सीपी जोशी, मंत्री जिनसे नाराजगी झेलनी पड़ी है वो भी डॉक्टर रघु शर्मा थे, शांति धारीवाल थे, अपनों से ही यह अदावत कैसी? ये तस्वीर तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आज सदन में देखने को मिलेगी। देखिए, बहुत सालों से डॉक्टर सीपी जोशी को मैं बहुत करीब से उनकी सियासी पारी देखी, पीसी चीफ हो रहे, बहुत करीब से उनका पूरा कार्यकाल देखा। वो झुकते नहीं है किसी के सामने, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी सबसे बड़ी बात उनको लेकर है कि वो सिद्धांतों के पक्के माने जाते हैं, अनुशासन उनमें खुद में भी है और वो अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला भी ऐसे रहे। साइकोलॉजी के प्रोफेसर है तो रीड कर लेते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि असेंबली के अंदर उनसे भी हार्ड मिजाज के स्पीकर हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम परसराम मदेना का रहा, हरिशंकर भाभड़ा रहे, क्या ये उस सीमा को भी लांघ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मीडिया को लेकर भी उनकी सख्त पाबंदी सामने आ गई। अब जब अपनों से अदावत की बात आ रही है तो यहाँ हमने पिछला स्पीकर का कार्यकाल देखा, कैलाश मेघवाल का, जो एक तरह से वरदस्त रखते थे और जो सत्ता पक्ष था एक उसको एक बड़ा अपने आप में मार्गदर्शक के तौर पर, स्पीकर के तौर पर कैलाश मेघवाल को वो देखते थे सत्ता पक्ष के लोग, और विपक्ष में जब कांग्रेस थी तो वो हमेशा इसी बात को लेकर परेशान रहती थी। यहाँ उल्टा दिख रहा है, यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग परेशान हैं अपने उस कांग्रेस के दिग्गज नेता से जो अब स्पीकर के आसन पर मौजूद है। और केवल ये सदन के अंदर की घटना नहीं है, सदन के बाहर भी जब डॉक्टर रघु शर्मा इस बात को लेकर परेशान हुए कि वो जवाब नहीं दे पाए और मौका उन्हें नहीं मिल पाया अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर, और ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि वो जवाब देने की पूरी तैयारी उनकी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एनएचएम का आज मामला आएगा। हाँ। तो वो पूरे तैयार थे, पूरी तैयारी से। लेकिन यही बात जो आपने कही कि वो जवाब देने के लिए तैयार थे, अभी जोगेश्वर जी को भी हमने सुना, अभी हमने कालीचरण सराफ को भी सुना, और इन दोनों का कहना यही है कि उनके पास कोई जवाब नहीं था, जवाब मांगा जा रहा था, वो बैठे हुए थे। योगेश जी, आप क्योंकि सदन में मौजूद थे, जरा बताइए क्या ऐसा ही जवाब देने को वो तैयार थे? उसका एक कारण था, क्योंकि जवाब उन्होंने पहले से ही मीडिया पर दे दिया। जिस दिन घटना क्रम सामने आया, अखबार में सबसे पहले उनका कोट था कि भाई मैंने भर्ती परीक्षा रद्द करवाई है, जांच बैठाई है, तो और इन तमाम बातों को लेकर बोलना चाहो तो वैसे भी रघु शर्मा तो मुखर रहते हैं बोलने के अंदर, तो वो चुप बैठ भी नहीं सकते। ये मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया कि रघु शर्मा उस वक्त क्यों नहीं बोले, ये वाकई में बड़ा सवाल है कि रघु शर्मा जैसा मुखर बोलने वाला और फिर बाद में स्पीकर के कक्ष में जाकर वो अपनी बात कह रहे हैं, ऐतराज जता रहे, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बोले? उसके बाद उन्होंने मीडिया को बाहर आके वो तमाम बातें कही कि जो आरोप उन पर लगे वो सत्य से परे, भ्रष्टाचार तो उन्होंने रोका है, भ्रष्टाचार किया नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने का काम उन्होंने किया है, परीक्षा रद्द की है। और लेकिन जिस वक्त सवाल हुआ तुरंत बोलना चाहिए था, तब रघु शर्मा ने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। आपके पास लौटेंगे जोगेश्वर जी, क्योंकि मुकेश चौधरी जी हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी भी जुड़ गए। मानचंद जी, आपका स्वागत है। आपसे सवाल हूं इससे पहले मुकेश जी, मीडिया को पाबंद करने की भी कोशिश की गई है, जिसका विरोध भी आप लोगों ने किया कल विधानसभा में भी, और आज भी पैदल मार्च किया, क्या इसे लेकर कुछ आश्वासन मिला है और ये पाबंदी कितनी गलत है? जी, इस बार विधानसभा अध्यक्ष कुछ बदले बदले से नजर आते हैं। जब पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे तो मीडिया से बहुत इजीली मिलते थे, अपनी बात रखते थे, और इस बार विधानसभा अध्यक्ष बनते ही वो बिल्कुल शिक्षकी भूमिका में आ गए हैं, और विधानसभा के इतिहास में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि पत्रकारों को ही पासों के लिए भटकना पड़ रहा है। पत्रकारों के लिए एक टैगलाइन लगा दी पास के ऊपर, प्रवेश पत्र के ऊपर, कि आपका प्रवेश सिर्फ प्रेस दीगा और मीडिया स्वतंत्रता रहेगा। बताइए कहां तक उचित है? मीडिया की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। मीडिया कर्मी अपने इंटरव्यू के लिए, अपने वर्जन के लिए, अपने फुटेज के लिए कहां जाएगा? उनका व्यवहार बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण है, और मीडिया क्या प्रिंसिपल प्रेस क्लब प्रवर्स की घोर निंदा करता है, और आपके माध्यम से, फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से और विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, इस आदेश को तुरंत वापस लें, और पत्रकारों के पासों में जो कटौती की गई है, पिछली सरकार में पास बनते थे कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी विधानसभा अध्यक्ष से दिक्कत नहीं, इनको ही पत्रकारों से क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ये भी अहम सवाल है कि आखिर क्या दिक्कत ऐसी हो रही है कि इतने ज्यादा मीडिया को पाबंद करने की कोशिश की जा रही है, और अगर अंदर बातचीत करने किसी विधायक से तब तो आप स्वतंत्र ही नहीं है, आप बात ही नहीं कर सकते किसी से, और जब बात नहीं होगी तो जनता तक बातें पहुंचेगी कैसे, क्योंकि साधन जो माध्यम है वो तो मीडिया ही है। मानचंद खंडेला जी,
आज जो कुछ हुआ आपको भी पूरी पता है तस्वीर की, क्या कुछ निकल कर आया, और आपने भी बहुत कार्रवाइयां देखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा होगा, मंत्रियों से बहस कितनी जायज थी आज? देखिए, अगर इस बात को सीक्वेंस से अगर आप देखेंगे तो बात समझ में आएगी जी। यानी सीपी जोशी एरोगेंट हैं, वो है, लेकिन मैं उनके साथ में राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन में बरसों मैंने काम किया, लेकिन इधर उधर होते भी मैंने उनको देखा। इसलिए ये कहें कि सिद्धांतवादी है ये मैं नहीं, ये मानने को तैयार नहीं। एक बात, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब ये सारा परिवर्तन कब आया, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी उनके साथ में उनके चैंबर में 40 से 45 मिनट तक गुफ्तगू करी, मैं मिलना नहीं कह रहा हूं, गुफ्तगू करी, और उसके बाद में सारा परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया कि आपने कहा मैंने इसी तरह से ये नियम बना दिए, 2 बजे तक ये होगा, 6 बजे तक ये होगा, और सदन केवल अपने टाइम के अनुसार चलेगा। मुझे आप बता दीजिए कि पूरे भारत में क्या इसी प्रकार की प्रक्रिया है? अगर प्रक्रिया है तो उसको मानने चाहिए। अब एक बात बता रहा हूं आपसे, मैं देखिए मैं कानून का विद्यार्थी हूं, ये यहां पूरी तरह लागू नहीं हो रहा, लेकिन एक बात उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, एक लॉयर लॉ ऑफ ईजमेंट, यानी अगर आपके खेत में से आपने जानवरों को, बकरियों को, बैलों को 1 या 2 साल तक चलने दिया तो यकायक आप नहीं रोक सकते। यही बात विधानसभा के संदर्भ में है, यानी यकायक आप नियम कैसे बदल देंगे? बदल सकते हैं, बिल्कुल। आपकी कोई परंपरा नहीं है, किसी प्रकार की बात नहीं। अब जहां तक ये पत्रकारों की बात है, मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि अशोक गहलोत मीडिया फ्रेंडली है और आप उसके सामने क्या परिस्थितियां पैदा करना चाह रहे हैं कि सरकार वास्तव में मीडिया से दूर रहना चाहती है। यही जा रहा है, जो ज्यादा समझने वाले हैं, ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ज्यादा ढूंढने वाले वो कहेंगे सीपी जोशी के कारण हो रहा है। अब सीपी जोशी और अशोक गहलोत में प्रतिद्वंदता पुरानी है, अब ऐसा तो नहीं है कि रड़क निकाली जा रही है। अच्छा, और उस कमरे से, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस कमरे से, विधानसभा अध्यक्ष के कमरे से जिस तरह से अनॉयड होकर, जो आमतौर पर नहीं होता अशोक गहलोत, अनॉयड होकर निकले, उसके बाद में आप रघु शर्मा की बात कर रहे हैं आप, वो अनॉयड होकर निकले, लेकिन ये सारी बातें क्या परिलक्षित करती है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पकड़ा है या पकाया जा रहा है। एक बात तो ये कह रहा हूं। अब मैं जो बात वास्तव में ये हुई कि रघु शर्मा के बारे में कहा गया, देखिए सवाल है, रघु शर्मा जी को सब पता था कब जो है नौकरी के लिए विज्ञप्ति निकलनी है, कब क्या होना है, 2500 लोगों की किस तरह से भर्ती की जानी है, ठीक है, और यकायक उन्होंने क्या कहा मानचंद जी, क्योंकि वक्त आपने जितना बताया उससे भी तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन जोगेश्वर जी, अभी जिस तरह से जिक्र इन्होंने किया कि बहुत अनॉयड होके, नाराज होके, गुस्से में निकले डॉक्टर रघु शर्मा भी, आप उस वक्त वहां पर मौजूद थे, क्या आपने कोशिश की उन्हें रोकने की या बातचीत करने की, जिस तरह से दोनों के बीच में हॉट टॉक भी हुई थी? पहली बात तो ये कि राजस्थान विधानसभा की परंपरा के अनुसार जब एडजॉइनिंग मोशन पर विपक्ष के लोग बोलते हैं तो मंत्री चाहे तो जवाब दे सकता है, और प्रक्रिया यह है, उसकी परंपरा यह बनी हुई कि मंत्री को खुद खड़े होकर इच्छा प्रकट करनी होती है कि मैं बोलना चाहता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। वो रघु शर्मा जी ने आज नहीं किया, और इसलिए अध्यक्ष महोदय ने ये मान लिया कि वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। उनको खड़ा होना चाहिए था, एक बार कहना चाहिए था मैं जवाब देना चाहता हूँ, तो आसन उनको अलाउ कर लेता, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात यह है कि ये जो भी हुआ, रघु शर्मा की गलतफहमी से हुआ या आसन की गलतफहमी से हो, जो भी हुआ, लेकिन उसको लेकर जो रिएक्शन संसदीय कार्य मंत्री ने लाइव विधानसभा में दिया वो भी संसदीय परंपराओं के विपरीत है, और अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में, वैश्व में, संयोग से मैं वहाँ था, योगेश जी भी वहाँ थे, वहाँ रघु शर्मा आए और उन्होंने जिस ढंग से, जिस टोन में उनको उलाहना दिया है वहाँ, वो भी संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। अब रही बात अध्यक्ष महोदय की, तो सख्त अध्यक्ष रहे हैं, मदरेणा साहब के साथ तो मुझे संयोग नहीं मिला रहने का, लेकिन भाभड़ा जी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। भाभड़ा जी ने बहुत नए नियम बनाए, नई परंपरा स्थापित की, लागू भी की है, पर नियम लेकिन मीडिया को लेकिन 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 भाभड़ा जी का नियम और परंपरा लागू करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा सॉफ्ट था, और प्यार से लागू करवाते थे, वो हल्का सा डांट देते थे। इनका जो बोलने की टोन और थोड़ा सा वो थोड़ा ज्यादा रूड और सख्त ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा बिल्कुल हमको भी थोड़ा नरमी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा रुख में नरमी बरतनी चाहिए। योगेश जी मौजूद की, क्योंकि आपकी भी तो बार बार यही बात आ रही है कि जब जवाब मांगा जा रहा था, डॉक्टर रघु शर्मा कह सकते थे कि मुझे कहना है, मुझे इस पर जवाब देना है, तब उन्होंने कहा नहीं। इसके बाद बार बार यही बात वो कहते रहे कि मैं जवाब देना चाह रहा था, मेरे ऊपर आरोप लग रहे थे, विभाग पर आरोप लग रहे हैं, सरकार पर आरोप लग रहे हैं, और मुझे जवाब देना था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया, परमिशन नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी जल्दी घटनाक्रम हुआ कि अगर क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री खड़े हो गए थे सत्ता पक्ष की तरफ से बात रखने के लिए, तो रघु शर्मा को ऐसा लगा कि बात होगी और उनको मौका मिलेगा बोलने का, क्योंकि वो मुख्य सचेतक भी रहे हैं, तो मुख्य सचेतक आमतौर पर
हद से ज़्यादा बोलने के लिए जाने जाते हैं और एकदम से वो उठकर प्रतिरोध करने के लिए भी जाने जाते हैं। रघु शर्मा के डिपार्टमेंट का मामला, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कालीचरण सराफ लगा रहे हैं और वो उस वक्त नहीं बोल पाए, ये अचरज से कम नहीं है। और कालीचरण सराफ ने जो आरोप लगाए वो भी इतने गंभीर थे कि रघु शर्मा चुप रह नहीं सकते थे। और उसके बाद का जो घटनाक्रम आउट ऑफ जो सदन देखने को मिला उससे लग रहा था कि रघु शर्मा बहुत ज़्यादा निराश थे और इसकी पीड़ा उनके चेहरे पर साफ झलक भी रही थी कि वो हाउस की प्रोसीडिंग में उनकी बात नहीं आ पाई, वो प्रॉपर्टी नहीं बन पाई। वो अगर कोई बात मीडिया को कहा, वो मीडिया की बात हाउस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो सदन में वो बोलने से जो रह गए या चूक गए। हो सकता है अब जब आगे आने वाले समय में जब मेडिकल एंड हेल्थ को लेकर जो डिमांड्स होगी वो ज़रूर इस बात को लेकर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी कही जा सकती है कि जो सीपी जोशी का बहुत सख्त रवैया है उससे आप भी ये मानते थोड़ा नरमी बरतने की जरूरत है, सत्ता पक्ष स्पीकर दिखाई दिया आज पूरी तरह। एक मतलब बड़े भाई के तौर पर सत्ता पक्ष को माना जाता है, छोटे भाई के तौर पर विपक्ष को माना जाता है। तो आज विपक्ष एक तरह से कहा जाए ज्यादा लाडला दिखा स्पीकर के लिए और दूसरी ओर सत्ता पक्ष। बिल्कुल कालीचरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालीचरण सर आप जी बिल्कुल आपने भी बात कही, सवाल उठाए गए चिकित्सा विभाग को लेकर और आपने भी यही कहा कि जब जवाब देना था तब डॉक्टर रघु शर्मा ने नहीं दिया, लेकिन आप पर भी उन्होंने आरोप लगाया, आपने कहा कि जांच करा ली जाए जो भी है। लेकिन आज के इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ सदन के अंदर या सदन के बाहर या अंदर हम कक्ष की भी बात कर ले, विपक्ष के साथ स्पीकर जोशी नजर आए ये भी बात सामने आ रही है, ये भी कहा जा रहा है सदन के अंदर। सुनिए सुनिए जी, मैंने सदन के अंदर सबूतों के साथ एनएचएम में जिस प्रकार का भर्ती घोटाला हुआ है, मैंने सीधे सीधे आरोप लगाया चिकित्सा मंत्री जी पर और चिकित्सा मंत्री जी को मैंने बार बार कहा कि इसका जवाब दीजिए, परंतु वो गर्दन नीची करके बैठे रहे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब राजेंद्र जी ने बजरी वाला मामला उठाया और उसके बाद जिस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार संसदीय कार्य मंत्री का रहा, जिससे कि स्पीकर महोदय को अपमानित होकर के वहाँ से उठ करके जाना पड़ा, और तो ये सबसे बड़ी कलंकित यानी इतिहास हमारे राजस्थान विधानसभा का आज बना है। और जहाँ तक मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल है, मेरा ये मानना है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनके साथ इस प्रकार की कड़ाई का व्यवहार करना ये अध्यक्ष महोदय को शोभा नहीं देता। इसके बारे में निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए और जिस प्रकार पहले व्यवस्था थी मीडिया के बारे में उस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि जनप्रतिनिधियों की बातें और जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से आ सके। बिल्कुल, और यही बात हम भी कह रहे हैं कि कड़ी का काम वाले ये कह रहे हैं, कड़ी का काम करते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल। और मेरे पास में एग्जांपल है कि जब आदरणीय बोलने वाले भी मंत्री जी थे तब एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि ट्रांसफर की रेट क्या है, वो प्रति मेरे पास में अगर आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। तो सवाल यह रहा कि एक तरफा बात मत करिए आप, सवाल यह रहा कि जांच करवा लीजिए, ये एक वेग टर्म है, जांच तो रघु शर्मा की भी करवा लीजिए। लेकिन मैं बात दूसरी कह रहा हूं, देखिए हर बार क्या होता है कि निर्णय क्यों नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय है कि विधायक सांसद और मंत्री ये पब्लिक सर्वेंट है, यानी वो तनख्वाह लेते हैं, भत्ते लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं, सेवानिवृत्ति सुविधा लेते हैं वो। अब उनको जो गवर्नमेंट के सर्वेंट है उसके अनुसार उनका व्यवहार किया जाना चाहिए। अब ये सारी बातें आ गई ना कि रघु शर्मा जी ये कह रहे हैं कि मेरे अधीनस्थ जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा मुझे पता नहीं, तो फिर आप क्या कर रहे मंत्री के रूप में। ठीक है, ये बात है, देखिए एक दूसरे को बताने जांच की बात है तो जांच करा लेनी चाहिए। और ये तो योगेश जी ये तो सरकार को सरकार के ऊपर ही है, बार बार यही कहते हैं कि हमारी जांच करा ले, आपकी जांच करा ले। सबसे बड़ी बात है कि जांच रघु शर्मा ने ये तक कह दिया है कि जांच वो कालीचरण सराफ के कार्यकाल की भी कराएंगे। और आज जिस तरह घटनाक्रम हुआ अब लगता है रघु शर्मा उस बारे में पूरी तरह अड़िग रहेंगे कि वो जांच कराएंगे, मीडिया में ऐसा उन्होंने कहा है। और ये बात भी सही कि घोटाला हुआ नहीं है, उससे पहले ही ये तमाम चीजें आ गई सामने और भर्ती परीक्षा रद्द कर दी। नहीं सर, देखिए एक बात है, ये आरोप लगाया जा रहा है जो कि आरोप ही है कि कुछ पैसे संभावित लोग थे जिनको जाना उनसे ले लिए गए। ठीक है, अब ये नहीं लिए जांच का विषय। ठीक है, घोटाला होने से पहले रोक ले, अच्छी बात है। प्रश्न हमारा ये था कि जब
होना था अभी ये सारा घटनाक्रम, उससे पहले तो मंत्री जी ट्वीट करके वाहवाही ले रहे हैं कि हम इतनी भर्तियां करने जा रहे हैं, और जब हो गया और ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए ये स्थिति जब बनी तब वही मंत्री कह रहा मुझे पता नहीं था। जब पता नहीं था तो ट्वीट कैसे किया? मंत्री क्यों है? दूसरे प्रश्न में मंत्री क्यों है अगर इस तरह निश्चय है तो या मान लो कि वो परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं? ये सवाल हम तब और कर सकते थे, प्रखर होकर तब कर सकते थे अगर ऐसा हो जाता, लेकिन वक्त से पहले योगेश जी, वक्त से पहले इसे रोका गया, लेकिन अब देखना होगा कि जांच कैसे। सवाल ये उठ रहा है खंडेला जी से, मैं उसे मार्गदर्शन भी चाहूंगा कि क्या वाकई में जब स्पीकर बनाया गया, ऐसा कहा जाता है कि जब डॉक्टर सीपी जोशी को स्पीकर बनाया गया था उससे पहले सीपी जोशी ने मंतव्य बता दिया था कि उनका मिजाज किस तरह का है, और क्योंकि स्पीकर का पद एक अलग तरह का पद होता है तो वहाँ पर बैलेंस करके तमाम चीज़ें चलाना पड़ता है, आसन पर जो बैठा होता है उसको हर चीज़ पर फोकस करना पड़ता है, प्लस माइनस देखने पड़ते हैं, लेकिन सीपी जोशी प्लस माइनस देखने के आदी नहीं है, तो उन्होंने पहले ही अपने आलाकमान को कहा था कि मेरा मिजाज बिल्कुल सख्त है और मैं अपने अनुसार हाउस को चलाऊंगा, अगर आप इस बारे में सहमत हो तो मैं बनने को तैयार हूँ। और क्योंकि सीनियर लीडर थे, डिप्टी सीएम पर नाम चल रहा था, वहाँ सचिन पायलट ही बन पाए, सीपी जोशी डिप्टी सीएम नहीं बन पाए, तो ऐसे में इतने सीनियर लीडर को कहाँ एडजस्ट किया जाता, तो उनको स्पीकर बनाया गया, एडजस्ट किया जाता। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सारी जो है कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी, और एक मिनट, वो जो अशोक गहलोत हैं वो उनको फेस मंत्रिमंडल की मीटिंग में नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीपी जोशी जो है वो टेक्निकल है, कंप्यूटर उनके साथ में हमेशा रहता है, फिगर्स उनके साथ में रहते हैं, और मैं उनको जानता हूं वो लॉजिकल बहुत है, वो लॉजिकल, जब लॉजिक के सामने अशोक गहलोत नहीं टिक सकते थे, और इसीलिए उनसे कहा कि उनका किनारा कर लो, और उस समय क्योंकि अशोक गहलोत हाईकमांड के बहुत ही प्रिय थे, क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था मैं 25 में से अकल्पनीय सीटें आपको दिलवा दूंगा, और उस समय लगा था हाईकमांड को कि हमारा, ये तस्वीर साफ है कि जो आज कुछ देखने को मिला, पीछे से बहुत कुछ चीजें चल रही थी और उसके बाद आज सदन में ये ऐसी तस्वीर आई है, वो फूट गई। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, क्योंकि हम मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और ये जो पाबंदी लगाई गई उसको लेकर आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं, अब क्या किसी तरह का आश्वासन मिला है, क्या कोई ऐसा आश्वासन जिससे ये नजर आए कि हाँ कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं जो इन्होंने ये घोषणा किया, ये जो भी फैसला लिया है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से मीडिया फ्रेंडली रही है, सीपी जोशी पहले रहे हैं, इस बार कुछ थोड़ा चेंज है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मीडिया के पास में कमी की गई है, और हमने जो काला कानून बनाया है, काले कानून में 70 साल का एडिटर जर्नलिस्ट स्वतंत्र पत्रकार नीचे गेट पे आए और नीचे पे स्वागत कक्ष पे आके एक दिन का पास बनाए और फिर विधानसभा में जाए, ऊपर से पर्ची आएगी फिर पास बनेगा फिर वो एक दिन जाएंगे, अगला क्रम अगले दिन जाना, अगला क्रम फिर ये करना पड़ेगा, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप वरिष्ठों का सम्मान करना चाहिए सरकार को, आप वरिष्ठों को परेशान कर रहे हैं, वही बात छोटे और लघु पत्रकारों की है, उनके पास नहीं बनाए गए, उनकी पास बेसादा कटौती कर दी। मुझे आप बताइए, ये तो सरासर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है, महात्मा गांधी अर्जन अखबार निकालते थे, उन्होंने देश को आजादी दिलाई उन छोटे अखबारों ने, आप उनको भूल गए? इस तरह की बातें लोकतंत्र अगला घोड़ने वाली हैं, और कोई भी पत्रकार संगठन कोई भी पत्रकार साथी, आप मुझे बताइए नए विधानसभा अध्यक्ष बनती उनको व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी, हमारे कैमरा में हमारे फोटोग्राफर हमारे रिपोर्टर सर्दी गर्मी बरसात धूप में बैठे रहते हैं बाहर पोर्च में, उनके लिए अब पानी का इंतजाम करना चाहिए था, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करना चाहिए था, उनके लिए अन्य व्यवस्था देखनी चाहिए थी, यहाँ तक तो उन्होंने लीड बनाने से बना कर दिया, लीड नहीं लगाओगे यहाँ पे, ये किस तरह की व्यवस्था है? आप बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं लोकतंत्र में, जिस मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हो आप लोग उसी को धमका रहे हो, आश्वासन किस तरह का नहीं, बदलाव को लेकर आप मुझे बताइए, पत्रकारों की ये पोजीशन कर दी उन्होंने, पत्रकारों को पत्र अध्यक्ष महोदय के कक्ष के सामने धरना देना पड़ रहा है, इस धूप में इस टेम्परेचर में इस उमस में राज्यपाल को ज्ञापन देना पड़ रहा है, इसके लिए सरकार बनी थी, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष बने थे। खाली यानी अब मैं जो एक चैनल पे था वहां पे ये था कि लाइव यूट्यूब से आ रहा है, अब कल को ये आर्ग्यूमेंट होगा कि जब लाइव आ रहा तो यहाँ क्यों आ रहे हो आप? मतलब ये कुल मिला के मनोवृत्ति और प्रवृत्ति जो है वो समझदारी की है, और जो आगे जाकर वो तानाशाही की ओर जाएगी। योगेश्वर जी, मीडिया से कोई डर तो नहीं है? मीडिया से कोई डर तो नहीं है? ये क्यों बांधने की कोशिश की जा रही है? जो होता है वही दिखाते हैं, क्या नहीं चाहते कि जनता तक ये चीजें पहुंचे? कुछ भी नहीं हुआ इसलिए आप मत दिखाओ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं व्यक्तिगत भी और मेरी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया पे इतने अधिक पाबंदी उचित नहीं है। दूसरी बात, मीडिया के मूवमेंट पर आप जितना इतना ज्यादा पाबंदी रोक लगाना चाह रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप मीडिया से कुछ ना कुछ छुपाना चाह रहे हैं। क्या है ऐसा जो छुपाना है आपको? काले कानून के बारे में उन्होंने विरोध किया था, और ये जो मुकेश जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। क्या मीडिया से कोई डर है? क्या क्यों ऐसा फैसला, क्यों इतनी पाबंदी, और क्या इसके लिए आप सवाल उठाएंगे, विपक्ष ये सवाल उठाएगा?
देखिए मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है और उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है और अध्यक्ष जी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और मीडिया को जैसे पहली व्यवस्था थी उस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने कल भी उनसे मांग की थी और आज भी हम इस बात पे कायम हैं। ठीक है योगेश जी, अब क्योंकि 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही विधानसभा की, आगे क्या क्या आगे होगा? क्या आज जो कुछ हुआ इसका भी असर पड़ेगा जब 8 जुलाई को एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होगी? देखिए 8 तारीख से काफी सदन के अंदर काफी बातें होंगी और आज भी स्पीकर के साथ पत्रकार शिष्टमंडल मिला था और काफी पॉजिटिव आज स्पीकर दिखे थे लास्ट में। हालांकि वो अपनी बात पर अड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं नियमों के अनुसार चलूंगा, लेकिन लास्ट में आते आते वो कहीं रिलैक्सेशन देने की बात पर सहमत हुए थे। तो ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों में कोई अच्छी पहल उनकी तरफ से हमें नजर आने वाली है और एक अच्छी बात राजस्थान की विधानसभा में ये भी होने वाली है कि ओम बिड़ला का सम्मान राजस्थान की विधानसभा करने जा रही है क्योंकि वो लोकसभा के स्पीकर बने हैं और राजस्थान की माटी के हैं, यहाँ के निवासी हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उपराष्ट्रपति जब भैरव सिंह जी बने थे उनका भी सम्मान राजस्थान की विधानसभा ने किया था और तब तो वांचन जी एटोम अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया था, एक बड़ी राजनीतिक घटना थी उस वक्त। और ठीक ऐसा ही अब सम्मान, एक टेक्निकल बात कहना चाह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, क्षमा करें कि उनके सम्मान को जो है वास्तव में नहीं कहा गया, ये कहा गया कि एक संगोष्ठी रखी जाएगी उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा। एक तरीका तो, हाँ एक तरीका तो है, लेकिन सम्मान देना और तरीका निकालना ये भी अपने आप में क्या समझ रहा हूँ, ये उदारता होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उदार मन से, उदार मन से भाई वो इस तरह के लोग हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष बने और बढ़िया चला रहे हैं। मांचन जी एक मिनट, क्योंकि वक्त भी खत्म होने वाला है, वक्त भी खत्म होने वाला है। योगेश जी एक लाइन में अपनी बात। जहाँ तक मुझे याद है इस तरह के गोष्ठियों की और कार्यशालाओं की परंपरा बाबड़ा जी ने शुरू की थी और उसमें दोनों पक्षों के लोगों को बुलाते थे और बिड़ला जी का ये जो अभी नया नया हुआ है इसको लेकर उनको हम लोगों उनका स्वागत करना भी था और हमारा प्रशिक्षण भी होना था। जो अच्छी पहले और जो चले आ रहे नियम जो शुरुआत से चले आ रहे उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन योगेश जी हम डॉक्टर रघु शर्मा की बात कर रहे हैं, चिकित्सा मंत्री, लेकिन साथ ही साथ आज मंत्री शांति धारीवाल के साथ भी वही चीज हुई। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात करें तो कर्ज माफी हो गई, बजरी हो गई। एक सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर सीपी जोशी और शांति धारीवाल के बीच राजनीतिक मित्रता है। कांग्रेस के अंदर वो एक ही कैंप में गिने जाते रहे, दोनों के बीच में टेलीपैथी, पुराने साथी हैं। और रघु शर्मा भी एक जमाने में उनके भी राजनीतिक गुरु सीपी जोशी रहे। तो आज ये जो घटनाक्रम हुआ ये राजनीति कांग्रेस के अंदर किस तरफ जा रही है इसके अलग तरह के संकेतों को भी देता हुआ नजर आ रहा है। पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है ये अगला जो जुलाई का जो पहला हफ्ता होगा खासतौर पर जिसमें हम कह सकते हैं कि 15 तारीख जुलाई से पहले पहले कांग्रेस के अंदर कई तरह के घटनाक्रम हमें देखने को मिल सकते हैं और शायद लगता है उसी से जुड़ी तमाम ये जो राजनीति है सियासत है वो हमें विधानसभा के अंदर भी नजर आ रही है। ये एक तरह से हलचल और दौड़ धूप है। ये दिल्ली में जो कुछ चल रहा है ना, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी भाग लो, ये कर लो, ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब कोई ना कोई क्रूशियल निर्णय होने वाला है और क्रूशियल निर्णय जब होगा तो इस पार या उस पार एक पक्ष तो होगा कम से कम, और अगर एक पक्ष होगा इसका मतलब सारा का सारा विखंडन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, ये मेरा मानना है। और अभी आपने सर ने कहा कि 15 तारीख, मैं समझता हूँ उसके पहले भी बहुत सारी आशंकाएं और संभावनाएं हैं। बिल्कुल, और जिस पक्ष की गलियारों में आज ये भी सुना गया है कि हम स्पीकर की शिकायत करेंगे हाईकमान से। खंडेला जी मुझे एक बात बताओ, जी जी, जब कांग्रेस की आंतरिक कलह को मीडिया कर्मियों के उतार रहे हैं माननीय सीपी जोशी जी, मीडिया ने क्या बिगाड़ा? बिल्कुल गलत कर, वो तो 100% गलत कर रहे हैं, परंपरा के विरोध में, मर्यादा के विरोध में, मान्यता के विरोध में, लोकतंत्र के विरोध में, और ये वास्तव में तानाशाही की प्रवृत्ति है जो सामंतशाही की तरफ जा रही है और इसका घनघोर विरोध किया जाना चाहिए। और इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि मीडिया कर्मियों को पास नहीं मिला, इसलिए किया जाना चाहिए कि देश में लोकतंत्र की रक्षा हो और लोकतंत्र की रक्षा होने के लिए जो कुछ विधानसभा में हो रहा है वो जनता को पता लगे। और यही तो आप कर रहे हैं, कोई खाना खाने नहीं जा रहे, पैसे लेने नहीं जा रहे, आप अपना समय दे रहे हैं, दिमाग दे रहे हैं, लेखन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं और जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उस पर भी अगर आप पाबंद करेंगे तो या तो कहीं डर है या फिर कुछ और बात है जो आप चाहते नहीं कि जनता के बीच में आए। बिल्कुल योगेश जी, एक और अहम बात है, जिस तरह से आपने कहा, अभी मुकेश जी ने भी कहा कि किस तरह से पाबंद करने की कोशिश की जा रही जो गलत है इसके खिलाफ आवाज बिठा रहे हैं। आपने बताया कि प्रतिनिधिमंडल गया था उनसे बातचीत करने के लिए, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, क्या उम्मीद की जाए जब 8 जुलाई से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू होगी
तो एक तो बात ये कि इस मीडिया पर पाबंदी को लेकर भी कुछ अच्छी खबर या अच्छा फैसला सुनने को मिल सकता है। दूसरी बात, क्या नरमी लगती है कि सीपी जोशी के तेवर में या उनके बिहेवियर में नजर आ सकती है अब आगे की कार्रवाई में? आज जुलाई से शुरू होगी। डॉक्टर सीपी जोशी ने जो निर्णय किए उनको किसने क्या सलाह दी अलग बात है। मकसद ये था कि मंत्रियों के चैम्बर्स पर लगने वाली जो भीड़ है, जब सत्र चलता है तो मंत्रियों के पास बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं बाहर से, उस भीड़ को थामा जाए और उस थामने के फेर के अंदर मीडिया भी एक उसमें शरीक हो गया। ये बात भी सही है कि अक्सर बड़ी संख्या में मीडिया के पास ऐसे भी बन जाते हैं जो वास्तव में मुख्य धारा से नहीं होते, लेकिन एक बीच का रास्ता इसमें निकलना चाहिए जिसके अंदर खास तौर पर ऐसी पहल हो। उस पहल का थोड़ा असर हमें आज असेंबली के अंदर नजर भी आया है। शक्ति तो साफ तौर पर दिख रही है, खास तौर से मंत्रियों के चैम्बर खाली नजर आ रहे हैं, विधायकों के साथ कोई साथ जा नहीं सकता और इसके साथ ही ना पक्ष और हाँ पक्ष की लॉबी जो है उसमें भी कोई भी मंत्री अपने पीए तक को नहीं ले जा सकता। ब्यूरोक्रेसी को लेकर बहुत सख्ती सीपी जोशी ने कर दी है कि जिस दिन जिस विभाग का जवाब होगा उस दिन केवल एक ही सेक्रेटरी होगा, वही अंदर तक जा सकता है लॉबी तक। तो ये कई ऐसी बातें उन्होंने की है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में इससे भी मैंने जैसे कहा बहुत ही हार्ड नेचर के स्पीकर रहे हैं। बिल्कुल योगी जी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक बात एक सेकंड दस सेकंड में मुझे एक इंट्यूशन लग रहा है कि स्वतंत्र श्रेणी के जो पत्रकार हैं उनके पास एक दिन से ज्यादा बन जाएंगे, एक सप्ताह के या 15 दिन के, ये मुझे लग रहा, बाकी मुझे कुछ नहीं लग रहा। चलिए ठीक ठीक सर, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज सदन में जो कुछ हुआ विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है, इसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन सीपी जोशी को लेकर जिस तरह से उनका प्रोफेशन रहा, प्रोफेसर रहे हैं प्रोफेसर साहब, आज सदन में भी स्पीकर नजर आए हैं। हालांकि कई बात ये कह रहे थे उनके तेवर सही भी थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अपनों से इतनी अदावत कैसे हो गई, दो दो मंत्री यहाँ पर कैसे विरोध में आ गए, किस तरह से बहस होगी, कम से कम ये उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। लेकिन मीडिया पर पाबंदी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, आवाज बुलंद की जा रही है। अब देखना होगा कि आश्वासन दिया है तो 8 जुलाई से जब कार्रवाई एक बार फिर शुरू होगी तो वो तस्वीर कैसी रहती है, उसके लिए इंतजार करते हैं 8 जुलाई तक। फिलहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।